आइए बच्चों, हम लोग नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्स क्या है, कि नेचुरल रिसोर्स को दो भागों में बांटा गया है, इनएग्जिस्टेबल और एग्जिस्टेबल। इनएग्जिस्टेबल कहने का अर्थ होता है वैसा रिसोर्स जो मतलब अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, उसको ख़त्म होने में काफ़ी समय लग सकता है, या दूसरी तरह से हम कह सकते हैं कि यह जो है मतलब उसकी मात्रा जो है मतलब रिस्क बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। इस कारण से इसे इनएग्जिस्टेबल रिसोर्स कहा जा सकता है। इसको ज़रा ध्यान से आपको समझना होगा कि इनएग्जिस्टेबल रिसोर्स होता क्या है। जैसे ये सनलाइट, तो ये सनलाइट को इनएग्जिस्टेबल सोर्स में इसलिए कहा रखा जाता है क्योंकि यह जो है रिसोर्स, यह इतना ज़्यादा है कि इसको ख़त्म होने में काफ़ी लंबा समय लग सकता है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, काफ़ी लंबा समय लग सकता है, इसीलिए इसको कहा जा सकता है इनएग्जिस्टेबल रिसोर्स। और ये ऐसा रिसोर्स है कि यह बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। लेकिन अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस सनलाइट जो है कि क्या ये मतलब ख़त्म नहीं होगा समय के साथ। लेकिन आपका ये सोचना वाजिब है कि सनलाइट के बारे में ये ख़त्म होगा या नहीं होगा, लेकिन ये सनलाइट कभी भी ख़त्म नहीं होगा, सन का एग्जिस्टेंस बना रहेगा। ये सन के बारे में ऐसी धारणा भी है कि सन जो है भले ही इसमें रिएक्शन हो रहा है वहाँ पे, और धीरे 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 कुछ लोग सोचते हैं कि ये ख़त्म हो सकता है, लेकिन इसको ख़त्म होने में बहुत लंबा समय लगेगा। कहा जाता है कि लाखों करोड़ों अरबों वर्ष, है ना, अरबों वर्ष से भी ज़्यादा यह समय इसमें इसको लगेगा, ठीक है। इसीलिए जो है यह सनलाइट कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। और यह भी बात है कि यदि सनलाइट यदि ख़त्म हो भी जाता है तो क्या होगा कि सन अपने आप में यह सिकुड़ने लगेगा। सिकुड़ने से क्या होगा, इतना ज़्यादा हीट का जनरेशन होगा कि फिर से यह सन जो है फिर वापस सन की उत्पत्ति हो जाएगी और सन कभी ख़त्म नहीं होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, इसलिए आपको ये मन में आना चाहिए कि क्या सनलाइट जो यह एग्जॉस्ट नहीं कर सकता। हाँ, मैंने आपको ये क्लियर से बता दिया कि सनलाइट कभी एग्जॉस्ट नहीं करेगा, इसीलिए इनएग्जिस्टेबल रिसोर्स में कहा गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा यह मात्रा में है, ये इतना ज़्यादा मात्रा में है कि इसको अरबों खरबों वर्ष लग सकता है, मिलियंस ट्रिलियंस ईयर्स एगो। और इसके बारे में यह भी कहा गया है कि सन फिर से डिजनरेट कर सकता है, इसलिए यह रिसोर्स कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। अब दूसरी तरफ आइए, एग्जिस्टेबल, देखिए इसमें थोड़ा मतलब विचार करने वाली बात है कि यह एक रिसोर्स ऐसा है जो कि लिमिटेड क्वांटिटी में है और ये समय के साथ जो है ख़त्म हो जाएगा, और इसको पुनः वापस प्राप्त करने में काफ़ी लंबा समय लगता है। जैसे कोल, ये कोल जो है हमारे धरती पर एक लिमिट मात्रा में, आपको तो पता ही होगा कि कोल के कहाँ कहाँ मतलब खादान है, मतलब झारखंड है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ये सब जगह जो है कोल के लिए यह फेमस जगह है। लेकिन यदि यहाँ से कोल, सारा कोल निकाल करके यदि हम लोग ख़त्म कर दें तो एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग अपने बच्चों के लिए कोल नहीं रख पाएंगे। फिर हमारे बच्चे कहेंगे कि हमारे दादा और पूर्वजों ने ये पूरा का पूरा कोल ख़त्म कर दिया, हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। तो उनके लिए एक चिंता के विषय हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि यह कोल एक एनर्जी का सोर्स है, इससे मतलब एनर्जी जनरेशन होता है। तो इसलिए हम कोल का क्या कर सकते हैं, एक सही से उपयोग कर सकते हैं ताकि जो है यह ख़त्म नहीं हो, ठीक है। धीरे धीरे इसका सही उपयोग होना चाहिए ताकि यह जो है इस रिसोर्स पे सभी का अधिकार हो, क्योंकि यह रिसोर्स को बनने में काफ़ी लंबा समय लगता है। यदि आप अपने जीवन काल में इस कोल को यदि ख़त्म कर देते हैं तो यदि आप मान लीजिए कि आपके आयु 100 वर्ष है, आप 100 वर्ष के भीतर इस पूरे के पूरे कोल को यदि ख़त्म कर दिया जाता है तो फिर यदि आपके बच्चे होंगे तो उस कोल को बनने में उनको काफ़ी समय लग जाएगा, ठीक है। और समय भी कितना कहा जाता है, मिलियंस ईयर्स, है ना, 300 मिलियंस ईयर्स के बाद यह कोल का फॉर्मेशन होता है। तो क्या उतने दिनों के लिए कोई ज़िंदा रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि इस रिसोर्स पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। यह लिमिटेड क्वांटिटी में है, इसलिए इसका खर्च हम लोग बहुत होशियारी से करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका जनरेशन रिन्यू करने में काफ़ी लंबा समय लगता है। तो इस तरह के जो रिसोर्स है उसका एग्जांपल हम बता सकते हैं कौन कौन है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स है, ईटीसी, ये सब एग्जिस्टेबल रिसोर्स हैं।
यह आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में यह कह रहा है फॉसिल फ्यूल के बारे में। देखिए फॉसिल फ्यूल है क्या, ये फॉसिल फ्यूल पहले सबसे समझिए कि बनता कैसा है, ये फॉसिल फ्यूल कैसे बनता। तो फॉसिल फ्यूल जो है यह बनता है इज अ फॉर्म बाय द नेचुरल प्रोसेस, ये एक नेचुरल प्रोसेस से बनता है, सच एज एन एरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ बरीड डेड ऑर्गेनिज्म प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, जो भी मतलब प्लांट और एनिमल है वो लाखों वर्षों तक जमीन के अंदर पड़े दबने के कारण से उनका जो है कन्वर्सन हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं फॉसिल फ्यूल। फॉर एग्जाम्पल कोयला, अभी हम कोयला की बात कर रहे थे ना, तो कोयला क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है। इसी तरीके से हमारा यह फॉसिल फ्यूल का जन्म होता है। फॉसिल फ्यूल काफ़ी समय के बाद जो है ज़मीन के अंदर पड़े रहने के बाद जो है काफ़ी टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के बाद जो है कोल का फॉर्मेशन होता है। देखिए इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन इज अ कन्वर्सन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स लाइक प्लांट एंड डेड एनिमल रिमेन इनटू कार्बन ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर विद इन अर्थ। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि कार्बोनाइजेशन क्या है, ये कार्बोनाइजेशन का यह डेफिनेशन है, और यह मतलब कोई भी प्लांट हो या कोई भी डेड एनिमल्स हो काफ़ी लंबे समय तक जमीन के अंदर पड़े रहने के कारण से क्या होता है, यह इसका कार्बन में बदल जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं कार्बोनाइजेशन, हिंदी में कहते हैं कार्बनीकरण। अब आइए कोल के बारे में हम लोग समझते हैं कि कोल का क्या उपयोग है। जैसे कोल का उपयोग देखिए थर्मल पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आज जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी है इसके लिए कोल रिस्पॉन्सिबल है। पुराने समय में जो स्टीम रेल इंजन था, ठीक है, स्टीम रेल इंजन उससे कोल से ही चलता था। देखिए पुराने ज़माने में यह जो है इस तरह का ये इंजन होता था, इसमें कोयला झोंका जाता था, इससे स्टीम बनता था और इसी स्टीम के बल पे यह जो हमारा इंजन चलता था। देखिए ये कोयला डालने वाला यह है भट्टी है, इसके अंदर कोयला डाला जाता है। आप लोगों ने गदर पिक्चर एक देखी होगी सनी देओल की, उस पिक्चर में दिखाया गया है, आप लोग जा कर के देखेंगे तो आपको वहाँ आपको यह जो है स्टीम रेल इंजन आपको देखने को मिलेगा। इसमें देखिए इसी में सनी देओल इसमें आग झोंक रहा था, ठीक है ना, इस आपको देख सकते हैं, इस तरह का एनिमेटेड पिक्चर आप देखना चाहते हैं तो फॉसिल फ्यूल आप लोग समझ गए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। यह देखिए कोक है, अब यह कोक है, यह कोक पीने वाला कोक नहीं है, ठीक है, यह कोक है, यह कोयले से ऑब्टेंड होता है, ठीक है। कोक इज ए ग्रे हार्ड एंड पोरस फ्यूल विथ ए कार्बन, हाई कार्बन कंटेंट, बहुत ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है, इससे नहीं कर सकते, तो वह जो कोयला होता है उसको यदि आप जलाएंगे तो उसका एक सेंटीमीटर कितना ज़्यादा हाई होता है, इतना ज़्यादा होता है, उसको आप जला नहीं सकते, इसलिए कोयला डालना पड़ता है, उसके लिए कोयला डालना होता है, उसमें आग लगाई जाती है, आग लगाने के बाद बत्ती जाती है, ठीक है, उस पर पानी का छिड़काव करके उसको बुझाया जाता है, तब वह काफ़ी हल्की और पोरसी हो जाती है, और इस तरह के कोयले को हम क्या कहते हैं, कोक कहते हैं। और ऐसी स्थिति में यह जो कोक को जब हम लोग उपयोग करते हैं तो उसके बाद यह धुआं कम निकलता है और यह जल्दी इसमें आग पकड़ लेता है। आप लोग जाड़े के दिनों में आप लोगों को याद होगा, यदि आपके घर में कोयला आता होगा तो देखिएगा कि यह कोयला जो है कम धुआं देता है और जल्दी इसमें आग पकड़ लेती है। तो यह क्या है, कोक है, इसी जो कोक, और यह कहा जाता है यह कार्बन का लगभग जो है प्योर फॉर्म है, ठीक है, समझ में आई बात को, यह क्या होता है कोक। इसका कोक का बहुत उपयोग होता है, आप पूछेंगे कहाँ उपयोग होता है, यह इसका उपयोग होता है हमारे स्टील इंडस्ट्री में होता है, और जहाँ मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, नए मेटल को हम बनाते हैं वहाँ पर यह रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कोक का काम होता है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि कोक क्या होता है, व्हाट इज़ कोक। जो कोयला होता है, जो ज़मीन से निकलता है कोयला, उसको क्या करते हैं, सबसे पहले उसको हम लोग जलाते हैं, और जलाने के बाद उस पर हम लोग पानी का छिड़काव करने के बाद उसको हम बुझा देते हैं उस आग को, और वही आग जो है, वही जो है जब बुझ जाती है तो उसी कोयला को आप उठाकर देखेंगे हाथ में, काफ़ी आपको हल्का जैसा महसूस होगा। यदि आप गांव घर के बच्चे होंगे तो आप गांव घर में अपनी माँ को देखते हुए लकड़ी पर खाना बनाते हुए, तो लकड़ी जब खाना बन जाता है और उसी में लकड़ी पड़ा रह जाता है तो देखिए होइएगा उसकी माँ उस पर क्या करती है, पानी से उसको डाल देती है, उसको भिगा देती है, ठीक है। वो जब आग बुझ जाती है तो ज़रा उस कोयले को आप उठाकर देखेंगे, वो जब हाथ में जब लेंगे तो लगेगा अरे ये तो कोयला बहुत ही हल्का लग रहा है। फिर इस कोयले का फिर दोबारा उपयोग आपकी मम्मी कर लेती है, जब दोबारा जब उपयोग होता होगा तो आप ध्यान देंगे दोबारा बहुत ही आसानी से कोयला जल जाता है और धुआं भी कम छोड़ता है, ठीक है। तो यह क्या होता है, ये पॉल्यूशन के लिए, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा भी है, कम पॉल्यूशन देता है,
हल्का भी होता है, जल भी जाता है, क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर इसका कम हो जाता है। तो यही कोक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोक का मैंने बता दिया उपयोग कहाँ होता है, यह जो है आपका स्टील इंडस्ट्री में, स्टील जहाँ स्टील का फॉर्मेशन होता है वहाँ कोक का, और बहुत सारे मेटलर्जी मेटल का जहाँ मतलब हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं वहाँ, ये रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यह कोक का काम होता है। मैंने काफ़ी विस्तार से आपको कोक के बारे में समझाया बच्चों, अब आप कोक समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखिए यह कोल तार, आप फिगर में देख ही गए होंगे, यह कोल तार है। देखिए यह क्या है हमारा कोल तार, इसको हिंदी में अलकतरा कहते हैं। देखिए अलकतरा, ये कोल तार का ये ड्रम काफ़ी सारा भरा हुआ है, ये किस लिए लाया गया है, सड़क बनाने के लिए लाया गया है, ठीक है ना। तो ये कोल तार है जो, यह कहा जाता है ये थिक एंड डार्क लिक्विड, ये थिक है ना, गाढ़ा चिपचिपा काले रंग का होता है, और मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंस, ये 200 सब्सटेंस का ये मिक्सचर होता है। हाँ कैसे, देखिए इसके से ना कोल तार से बहुत सारी चीज़ें बनती है, जैसे सिंथेटिक डाइज हो गए, ड्रग्स हो गए, नेफ्थलीन बॉल हो गए, परफ्यूम्स हो गए, प्लास्टिक पेंट हो गए, और मेकिंग रोड्स। तो मैं सबसे पहले आपको नेफ्थलीन के बारे में बता दूँ, कि इन सबों के बारे में तो आप लोग समझ ही रहे हैं क्या होता है। मैं आपको नेफ्थलीन के बारे में बताता हूँ। नेफ्थलीन को लोग आम भाषा में लोग फिनाइल की गोली कहते हैं। आप लोग देखिएगा कपड़ों में है ना, मौत से बचाने के लिए, फतिंगे से बचाने के लिए जो है क्या होता है, नेफ्थलीन बॉल डाली जाती है। वॉश बेसिन जहाँ होता है, जहाँ हाथ मुँह धोते हैं टॉयलेट में, वहाँ पे ये नेफ्थलीन की वाइट वाली गोली डाली जाती है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, इसको हम लोग कहते हैं नेफ्थलीन बॉल, जो कि यह कोलतार से ही यह बनता है, ठीक है। और यह जो है रोड बनाने में भी इसका काम होता है। आजकल बच्चों रोड बनाने के लिए बिटुमिन्स का प्रयोग किया जा सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यह बिटुमिन क्या होता है, फिर कोलतार से भी तो सड़क बनाई जाती है और बिटुमिन से भी मतलब सड़क बनाई जाती है, लेकिन बिटुमिन ज़्यादा फायदेमंद होता है। क्यों फ़ायदेमंद होता है, कि बिटुमिन जो होता है यह जो होता है वाटर रेसिस्टिव होता है, ठीक है, पानी का उस पर कोई असर नहीं होता है। क्योंकि अब देखिए कि जब कोलतार से जो सड़क बनाई जाती थी तो बाढ़ के समय में क्या होता था, सारी मतलब रोड जो है ना ख़राब हो जाती थी, टूट फूट जाती थी, इससे सरकार को काफ़ी चूना लग जाता था, काफ़ी नुकसान होता था, ठीक है। तो इसके लिए अब कोलतार की जगह लोग जो है बिटुमिन का प्रयोग करते हैं, ताकि बिटुमिन के प्रयोग से क्या होता है, इस पर पानी का असर नहीं होता और सड़क पहले जैसे ही बनी रहती है। ये हमारा फ़ायदा है, ठीक है। आप लोग समझ गए कोलतार का क्या मतलब वाइड यूज़ है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखिए, यह है कोल गैस। कोल गैस इज ए फ्लैमेबल गैसियर फ्यूल। फ्लैमेबल कहने का मतलब यह होता है जो जलता हो, है ना, जो जलता है। गैसियस फ्यूल होता है, मेड फ्रॉम कोल, यह भी कोल से बनता है, कोयले से। इट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन कोल इज हीटेड स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ, है ना, इसको एयर के एब्सेंस में इसको जब हम बहुत तेज़ गर्म करते हैं, ठीक है ना, जब जलाते हैं, ठीक है, तो यहाँ से एक गैस निकलती है, उस गैस का नाम होता है कोल गैस। पुराने समय में स्ट्रीट लाइट का उपयोग किया जाता था, ठीक है। आज भी मतलब जो है मतलब बहुत सारे मतलब प्लांट्स में जो है इसका उपयोग होता है। देखिए कोल गैस प्लांट है, इसका काफ़ी उपयोग होता है, ठीक है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए पेट्रोलियम, पेट्रोलियम काफ़ी इम्पोर्टेंट है बच्चों। आप लोग पेट्रोलियम के बारे में आप लोग देख रहे हैं, आप पेट्रोलियम को पेट्रोल नहीं समझेंगे, है ना। कुछ बच्चे पेट्रोलियम को पेट्रोल समझते हैं, नहीं, पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे देखिए पेट्रोलियम के कंस्टिट्यूएंट क्या हैं, LPG, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल और बिटुमिन, ठीक है। मैंने बताया ना कि पेट्रोलियम के अंतर्गत जो है ये पेट्रोल है, LPG है, डीजल है, केरोसिन है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है, बिटुमिन, ये सभी इससे बनते हैं, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि किस तरह से ये बनते हैं, ठीक है, यह पेट्रोलियम किस तरह से इसका बनता है। तो यह एक टेक्निक है, उस टेक्निक से बनाया जाता है। वो आपको नेक्स्ट बड़े कक्षों में जाएंगे, अगले क्लास में जाएंगे तो वहाँ आप इसको समझेंगे कि पेट्रोलियम कैसे बनता है। चलिए फिलहाल पेट्रोलियम के बारे में हम बता दें। देखिए मुंबई हाई का सीन है, यह देखो यहाँ से जो है ना पेट्रोलियम निकाली जाती है, ठीक है, पेट्रोलियम निकाली जाती है और यहाँ से इसके पेट्रोलियम से हम बहुत सारी चीज़ बनाते हैं, घरेलू LPG, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल और बिटुमिन, ठीक है। तो देखिए पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ए क्रूड ऑयल, यह एक क्रूड ऑयल होता है। इज अ फॉसिल फ्यूल लाइक ए कोल एंड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम वॉज फाउंड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द एंशियंट मैराइन ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, एल्गी एंड बैक्टीरिया। तो ये समंदर के अंदर जो है एल्गी हैं, बैक्टीरिया हैं, प्लांट्स हैं, यही एक रिच सोर्स होता है पेट्रोलियम के लिए, ठीक है।
तो अब देखिए कि हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ यह सोर्स है। एक तो मैंने आपको बताया मुंबई हाई, दूसरा है कृष्णा गोदावरी बेसिन, है ना, कृष्णा गोदावरी बेसिन। फिर देखिए आसाम है, गुजरात है, हम आसाम में ही माकुम जगह पे सबसे पहले जो है ना यह हमारा पेट्रोलियम निकाला गया था, आप याद रखेंगे। तो ये देखिए इंडिया में कौन कहाँ कहाँ सोर्स है, आसाम है, गुजरात है, मुंबई है, मुंबई हाई, कृष्णा एंड गोदावरी बेसिन। और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, लेकिन किन किन चीज़ों से मिलकर ये बना होता है पेट्रोलियम, इसके अंदर LPG भी होता है, पेट्रोल भी होता है, डीजल भी होता है, केरोसिन भी होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड ब्यूटी, सबको क्या होता है इसको हम लोग निकाल लेते हैं। एक एक विधि होता है, उस विधि से क्या होता है सबके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स में उसको हम सबको अलग ब्रेक करके उसको निकाल देते हैं और सबका हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यह है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कहने का मतलब क्या होता है, देखिए नेचुरल गैस जो है इज़ अ इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल, ठीक है, यह एक इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, ईजी टू ट्रांसपोर्ट बाई गैस पाइपलाइन, एग्जाम्पल गोधरा। देखिए यह जो है इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए गैस पाइपलाइन की ज़रूरत होती है। ये बहुधा एक जगह है वहाँ अब जो है नेचुरल, हम लोग अभी यहाँ पे क्या होता है LPG का मतलब हम लोग हमारे घरों में सिलेंडर आता है, कई जगहों में PNG का प्रयोग है, पाइप नेचुरल गैस, वहाँ से क्या होता है पाइप के द्वारा ही उनके घरों में गैस चली जाती है। यह बहुधा शहर में भी है, दिल्ली के भी कुछ जगहों में मतलब जो है नेचुरल गैस सप्लाई की जाती है। सोर्स प्लेस देखिए राजस्थान है, त्रिपुरा है, महाराष्ट्र है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, यहाँ से मतलब ये नेचुरल गैस ऑब्टेंड होता है। अब आप लोग देखिए नेचुरल गैस में एक प्राइमरीली कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, मीथेन होता है। आप घर में भी मतलब इस तरह के नेचुरल गैस को आप बना सकते हैं, कहिए कैसे, यदि जिसके पास बहुत ढेर सारी गाय हैं भैंसे हैं तो उस गोबर से जो है हम लोग क्या करते हैं ये गोबर गैस बनाते हैं। गोबर गैस भी क्या एक टाइप ऑफ नेचुरल गैस है। देखिए जिनके घर में गोबर गैस होगा तो देखिए वो लोग उसी गैस का उपयोग करके, है ना, यही है इस तरह से नेचुरल गैस उनके घर में यही चीज होता है, इसी गोबर गैस से उनके घर में खाना बनता है, उनको बाहर से सिलेंडर लाने की ज़रूरत नहीं है, गाय के गोबर से ही यह लोग जो है मतलब गैस से ही ये लोग इस तरह से खाना बना लेते हैं। ये लॉ जल रही है, ठीक है, इससे उससे कहा जाता है कि गाय, इससे जो गाय का गोबर जो होता है उससे बहुत सारी चीज़ें, एक तो खाद भी बन जाती है, ठीक है, और मतलब नेचुरल गैस से हम लोग घर पर खाना ही बना लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर लेते हैं। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है ये नेचुरल गैस, ठीक है, इसका एक सोर्स जो है मतलब जो आपको मैंने बताया कहाँ है, राजस्थान है, त्रिपुरा है, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी, इन सब जगहों में ये नेचुरल गैस है, ठीक है। और दूसरा बात है कि नेचुरल गैस इज नेचुरली अकरिंग हाइड्रोकार्बन मिक्सचर कंसिस्टिंग प्राइमरली मीथेन। यह जो नेचुरल गैस जो होता है यह इसका मेन क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है, मेन कंपोनेंट होता है मीथेन, यह याद रखेंगे, इसका सूत्र होता है CH4, इसको ध्यान में आप लोग रखेंगे। नेचुरल गैस ही बहुत आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि नेचुरल गैस का ये कौन सा मतलब है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर मीथेन पाया जाता है, ठीक है, एक ज्वलनशील गैस होती है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट की तरफ है, यह हम लोगों का ख़त्म हो चुका है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट में अब आप लोग क्या करेंगे कि जो भी मतलब ऑब्जेक्ट, जो भी आपके सिलेबस के लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर हैं उस सब को आप बना कर देखेंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा क्वेश्चन आंसर आपको सब समझ में आ जाएगा। यदि एक दो बार देखेंगे तो मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से हर एक क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। बार बार देखते रहें, आपको जो है हर एक चीज़ समझ में आएगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।